आज का टॉपिक है हमारे मोरपंखी का पौधा। तो ये जो मेरा मोरपंखी का पौधा है, ये कुछ समय से मैं देख रहा हूँ रेगुलर ये ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इसकी शायद जड़ें बाउंड हो गई हो। तो मैं इसको निकाल के दोबारा से रिपोर्टिंग करूंगा, और कुछ पौधे अगर अलग हो सकेंगे तो अलग भी करूंगा, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकालते हैं किसी पतले खुरपे की मदद से। इसके साइडों की मिट्टी हटा के देखता हूं। इस पौधे को अलग किया जा सकता है। ये हो गए हमारे पास दो मोर पंखी के पौधे। अब इस गमले में छेद तो हो ही रखा, इसमें मैं लेंटर वाली रोड़ी रखूंगा। अब इसमें कुछ मिट्टी भर देते हैं। मिट्टी में अपनी गोबर की खाद वाली भरूंगा। इसमें वही 80% गोबर की खाद है, बाकी मिट्टी है। फालतू जड़े काट लूंगा साइडों की। इसको रखता हूं इसमें। प्रेस कर लूंगा। अब अपनी मिट्टी को इसमें भर दूंगा। तो ये हुआ हमारा एक पौधा तैयार। और ये हमारा दूसरा मोर पंखी का पौधा। इसकी भी जड़ें काट लूंगा। इसे मैं एक पॉली बैग में लगाऊंगा। मिट्टी को अच्छे से साइड में प्रेस कर दूंगा। अब हम इनमें पानी दे देंगे। तो देखा हमने किस प्रकार से इन दोनों मोरपंखी के पौधों को अलग करके दो पौधे बना लिए। और अब जैसे ही इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा दूसरा वीडियो बना के। और ये जो छोटा पॉली बैग बनाया हमने, तो ये मैं अपने किसी फ्रेंड को या किसी पड़ोसी को दे दूंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, कमेंट भी कर दें, लेकिन कुछ करें। थैंक यू।